आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो वाली खुफियाबंदी नहीं करूंगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट बात थी। मैं सीधे मुद्दे की बात आपको बताता हूं। ये मेरे पास एक गेमिंग चेयर है और ये मैंने मात्र 10,000 में खरीदी है। बजट गेमिंग चेयर को लोग कह देते हैं कि 15,000 16,000 या 20,000 वाली को बजट गेमिंग चेयर कह देते हैं, और आप जानते हो कि इस तरह की चेयर सस्ती आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मैंने चेयर 15,000 की खरीदी थी और कुछ ही दिन बाद सेल में जाके 10,000 की हो गई। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि 10,000 की चेयर अवेलेबल है। ये ट्रूली एक बजट गेमिंग चेयर है, जिसे आप कह सकते हो। मैंने अपनी पहली जब चेयर खरीदी थी तो 30,000 की थी वो। उस समय गेमिंग चेयर के नाम पे ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी, कि अगर गेमिंग जैसा दिखने वाली, मुझे जरूरत इसलिए थी यूट्यूब चैनल के लिए, तब ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। 30,000 तक की आया करती थी चेयरें, फिर धीमे धीमे 25,000 20,000, और कुछ टाइम पहले लोग बजट गेमिंग चेयर कहने लगे थे 16-17-18 हज़ार वाली चेयर को भी। ये चेयर 10,000 के प्राइस तक गई है, और शायद इस समय अब इसका 11,000 प्राइस चल रहा है, लेकिन तब भी बहुत कम चल रहा है। ये इस समय लेने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। आप जानते हो सेल चल रही है, सेल में सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइसेस जाते हैं। लेकिन अगर ये 10,000 की, मैं कह रहा हूं कि सेल में गई थी सबसे लोएस्ट प्राइस, लेकिन अगर 11,000 की भी आपको मिल जाती है तो बुरी नहीं है। अगर आपको इससे भी सस्ती कोई गेमिंग चेयर बताओ तो वो बताना आप, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी में आपको चेयर की दिखाई दे रहा हूँ। देखो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये वीडियो में छोटा ही रखना चाहता हूँ, इसलिए आपको ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा हर चीज बता के। मेन पॉइंट मेरा यही है कि एक गेमिंग चेयर आपको 10,000 या 11,000 के रेट में मिल जाएगी। देखो बाकी सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आर्म रेस्ट कैसे है, मैकेनिज्म कैसा है, कई बार बता चुका हूं, इसमें भी बताऊंगा कि आपको ये नेक सपोर्ट भी मिलता है, लंबार सपोर्ट भी मिलता है, सब बता दूंगा मैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लोगों को चाहिए होता है, चेयरें तो बहुत मिल रही है, मार्केट में मिल रही है, लेकिन मुझे वो गेमिंग वाली फील चाहिए। जैसे कि मेरे कमरे में चेयर रखी हो तो वो गेमिंग वाली फील आए, मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ। इसीलिए आप कंप्यूटर में RGB वगैरह लगाते हो, आप अपने रूम को गेमिंग टाइप का रूम बनाना चाहते हो, वो स्टाइल आपको मिल जाता है और पैसे बहुत ज्यादा नहीं देने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। जो सबसे अच्छी मुझे एक बात लगी है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज्यादातर क्या होता है, मेरे पास PU लेदर या फिर चिकने मटेरियल का जो वो होती है वो सीट आती है, ज्यादातर वही आती है। इसमें आपको एक क्लॉथ टाइप का दे रखा है, मैश टाइप की सी है, साइड में आपको जरूर ये सिंथेटिक PU लेदर मिलेगा चिकना चिकना, बीच में ये मैश है ये पूरा, और ये आपको लंबार सपोर्ट मिल जाता है, ये आपको नेक सपोर्ट मिल जाता है, जैसे हर चेयर में मैंने आपको दिखाया। कईयों में नेक सपोर्ट आते हैं, लंबार सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कमी कुछ नहीं है, सारी चीजें मिलेंगी आपको। आर्म रेस्ट है, कई चेयर्स में बस आगे पीछे होने के लिए आते हैं या फिर ऊपर नीचे होने के लिए आते हैं, इसमें आर्म रेस्ट में आपको सब चीजें मिलेंगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो और ये आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, और ये आप ऐसे ऐसे साइडवेज भी कर सकते हो। आर्मरेस्ट में आपको पूरी फंक्शनलिटी मिलती है। और दूसरी, अगर आप पूछो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है जी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, नीचे मेटल वेटल के मैकेनिज्म की आप कभी चेयर मत चिंता मत किया करो। मैंने बहुत ही सस्ती चेयर्स भी खरीदी है, महंगी चेयर्स भी खरीदी है, जो नीचे का सब स्टैंड होता है और मैकेनिज्म होता है, मेरा किसी का खराब नहीं हुआ आज तक, उसकी तो आप चिंता करो ही मत। वो मेटल की चीजें पक्की बनती है एकदम बढ़िया क्वालिटी की। क्वालिटी की बात अगर आपको पूछनी है तो वो पूछा करो आप कि ये इसका ऊपर का मटेरियल कैसा है, क्या ये फट जाएगा, ये फोम जो है क्या ये दब जाएगी एक कुछ टाइम यूज करने के बाद। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी फोम बहुत ही चौड़ी है और ऐसी नहीं है जो, अगर आप कभी फील ली हो आपने सस्ती चीप वाली फोम की जो चिपक जाती है, उसको आप छू के पहले ही बता सकते हो कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। इसमें जो है फोम मुझे ठीक लग रही है और ये वक्त के साथ नहीं दबेगी। दूसरा कोई इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन सबको चाहिए होता है कि ये वाला मैकेनिज्म मिल जाए, 180 वाला, 180 वाला भी मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता, बस चाहिए होता है सबको, लेकिन ये भी आपको मिल जाएगा इसमें। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेवल की फैल्कन चेयर को मुझे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगे होंगे, सीधी बात बताऊं। और आपको एक बेनिफिट की बात बता दूं मैं, कई लोगों को पसंद नहीं होता है कि जो ये सीट होती है वो साइड से ज्यादा उठी हुई होती है। डिजाइन तो इसमें भी दे रखी है, जैसे कि आप देखो ये पूरी फ्लैट नहीं है, साइड में आके थोड़ा सा ये टेपर सा होता है, ये ज्यादा होता है ना, तो कई लोगों को पसंद नहीं होता, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये बड़े से बड़े आदमी के लिए भी बनी हुई है। मैं दोबारा मुद्दे पे आ जा रहा हूं, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ये चेयर आपको गेमिंग स्टाइल चाहिए, गेमिंग चेयर की आप तलाश में थे उसके लिए बढ़िया है। आपको चाहिए थी सस्ते से सस्ते में, एक्चुअली में एक बजट गेमिंग चेयर, कि ये ना हो क्लिकबेट ना हो, क्योंकि लोग तो RTX 4090 को भी बजट ग्राफिक कार्ड घोषित कर देते हैं। उनका कहना ये होता है कि 4090 ग्राफिक कार्ड्स में ये वाला ग्राफिक कार्ड सबसे सस्ता है,
तो ये एक्चुअली में पैसों में कम है, इसलिए हम बजट गेमिंग चेयर से कह सकते हैं। दूसरा शक ये होता है कि इतनी सस्ती है तो मुझे ये बताओ कि मुझे खोना क्या पड़ रहा है। आपको इसमें मोस्टली कुछ नहीं खोना पड़ रहा, सिर्फ RGB नहीं मिल रही है। RGB चाहिए तो फिर और महंगी चेयर्स पे आप जाओ, RGB नहीं मिल रही है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है और क्वालिटी भी अच्छी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो स्पेशल फीचर मैंने आपको बताया कि पूरी चेयर पे PU लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये चिकना वाला मटेरियल जो साइड में लगा हुआ है ना, ये पूरी चेयर पे नहीं है, यहाँ पर क्लॉथ सा है, ये मैश है। इसकी एक गारंटी मैं दे सकता हूँ, एक बार को अगर घटिया PU लेदर किसी पे आया है, जो कवरिंग है इसी सीट की यहाँ पर और यहाँ पर, वो फट जाएगा। आपने वो फटी हुई चेयर्स आपने देखी भी होंगी, अच्छी PU लेदर होगी तो नहीं फटती है, कई सालों से मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक घिस्सा तक नहीं आया है, लेकिन कुछ चेयर्स पे बिल्कुल तबाह हो चुकी है, ऐसा लगता है उनपे बम फट गया हो, उन चेयर्स पे बिल्कुल चीथड़े हो चुके हैं PU लेदर के। लेकिन अगर मैश है, मैश काफी मजबूत होती है, जो अर्गोनॉमिक चेयर्स भी मेरे पास है उनमें भी कोई लफड़ा नहीं होता, तो ये आपकी आउटडेट नहीं होगी, ये फटने और घिसने वाले साइंस नहीं आएंगे। और अगर आप सस्ती चेयर की तलाश में हो, गेमिंग चेयर सस्ती चाहिए, तो एक बार इसे आप कंसिडर जरूर करना, नेक्स्ट लेवल की फैल्कन चेयर को। ये मैं आइंदा भी भविष्य में देखूंगा, इनका अगर कोई और प्रोडक्ट आता है ना तो उसको भी मैं देखूंगा। ये मैंने तो अपने लिए खरीदी थी क्योंकि जरूरत थी मुझे, तो मैंने तो महंगी खरीद ली, मेरी गलती से आप सीखो, 15,000 की मैंने खरीदी है, आपको दिखा भी रहा हूं मैं, और ये आपको 10,000 में कई लोगों ने खरीदी है और 11,000 में फिलहाल मिल जाएगी। अगर आपको इससे सस्ती गेमिंग चेयर मिल जाती है तो वो आप कंसिडर कर लो, लेकिन उसकी क्वालिटी की गारंटी कर लेना। इसको तो मैंने अपने हाथ में लेके देख लिया है, तो इसलिए आपको बता सकता हूं कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। और वीडियो में जाते जाते मैं आपको एक बार बता दूं कि एडजस्टेबिलिटी जो आपको चेयर में मिलती है और ये जो हाइट मिलती है, ये एक जरूरी चीज है। ऐसा भी नहीं है कि गेमिंग करके आपको बेकार प्रोडक्ट चिपकाए जा रहे हो। ये जो इतनी ऊंचाई तक हाइट मिलती है ना आपको, अपने नेक के लिए, हेड के लिए सपोर्ट मिलता है, कंधों के लिए सपोर्ट मिलता है, इसमें अगर आप ज्यादा देर तक बैठोगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम फील करो, इसलिए गेमिंग चेयर्स आती हैं। इसीलिए आपको एर्गोनॉमिक एडजस्टेबिलिटी जो मिलती है वो भी जरूरी है, कि आपके आर्म रेस्ट है वो आपका हाथ ना थके। जरा आप बैठ के दिखाओ बहुत देर तक बिना आर्म रेस्ट वाली चेयर पे, आपके कंधों में दर्द होने लगेगा, 1-2 साल में पक्का होगा। तो ये चीज शोबाजी की नहीं होती है, इसकी जरूरत होती है। और अगर आपको एडजस्टेबिलिटी खोनी पड़ती है तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अगर पैसे कम होते हैं तो भी समझ में आता है। यहाँ पैसे भी कम है और सारे फीचर्स मिल रहे हैं। एक बार कंसिडर जरूर कीजिएगा नेक्स्ट लेवल की इस गेमिंग चेयर को। बाकी प्राइस चेक कर लीजिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।